ये जो कपड़े धोने वाला वो डंडा, उससे ये क्रिकेट खेलते हैं। इनको मैंने गेंदे लेके दिए, इन्होंने गुम कर दी थी। बैट लेके दिया था, इन्होंने तोड़ दिया था। अभी इसी डंडे के साथ खेलते हैं। फिर अभी मुझे कह रहे हैं कि मुझे हमें ना वो विकटें देखें, ये जब तक आउट नहीं होगा उस वक्त तक एक बंदा खेलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब बहनों से यही एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेली वीडियो आया करेंगी, तो इंशाल्लाह आगे से कोई नागम मिस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। रात पता है क्या मसला था? रात जो है ना हमारा जो है ना ये मोबाइल बंद हो गया था, जिसकी वजह से हम ना वीडियो सही तरीके से नहीं बना सके। तो उसके लिए सॉरी बा, वो बहुत सारे मेरे बहन भाई कह रहे थे कि भाई नीचे के वीडियो मेहंदी की भी ठीक नहीं है पूरी, भी आपने क्लिप ज़्यादा नहीं बनाए। तो इसी वजह से ज़्यादा नहीं बना सके क्योंकि मोबाइल जो है ना बंद हो गया था और चार्जर जो है ना इसे कोई और लगता ही नहीं था, तो इसी वजह से जी। अस्सलाम वालेकुम। बस ये देखिए ये डंडा है जिसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। बैट ये है, खुद बनाया ठीक है। ये उसका इसे इसकी खलड़ी किधर गई है? इसने हम खुद लाया है, उतार दिए। दो दो बाल हैं हमारे पास। टेप टेप उस बाल पे है, वो उतर गई है। उतर गई क्यों? इसने धक्का मारा, उसके सुराख हो गए थे, वो फट जाती है ना। आज भी एक मेहंदी पे जाना है तो इसी वजह से जो है ना अभी टाइम तकरीबन 4 का हो गया है। तो हम जो है ना अम्मी को रोटी बना के अभी दी है ताकि वो रोटी खा लेना, तो फिर जब हम मेहंदी से वापस आएंगे उधर भी रोटी होगी तो हम उधर से खाएंगे। तो अम्मी को हमने इसलिए बना दिया, अगर शाम को खाएगी तो एक रोटी पका के उसका सालन रख देंगे ताकि अम्मी अगर भूख लगी है अम्मी को तो वो खा लेगी। जी वालेकुम सलाम रिया। हाँ जुटी टूट गई रिया। भाई गिदिया सु इधर देखो, इधर देखो। अब उधर डांस किया था शहजाद की शादी पे, डांस किया था। हाँ। झूमर मारिया अभी झूमर। अच्छा अभी ये 3 साल की होगी है ना, अब जैसे कारी साहब आते हैं ना तो हुरिया को जो है ना कुरान मजीद शुरू करवाते हैं अभी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह। ये कवे भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप कवों को मिस कर रहे होंगे क्योंकि ये कवे इधर हमारे पक्के पक्के हैं। अभी आज जो है ना काफ़ी ऐसे समझ लें जैसे गर्मी होती है ना अच्छी खासी, बाहर अगर बैठे रहें ना तो फिर जो है ना पसीना आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा आज सूरज जो है ना तेज़ है। तो अभी ये जो साग का सीज़न है ना वो एंड हो गया है, अभी इतना ज़्यादा साग जो है ना नहीं है। ये जो खड़ी की हुई है ना ये सिर्फ वो ये राया जो कहते हैं उसका तेल निकलता है जो लगाने वाला सार को लगाने के लिए तेल, और बाकी उसकी खाल बना लेते हैं, खाल जो होती है जो जानवरों को डालते हैं। तो अभी ये वाली गंदले हैं ये मोटी, ये देखें ये वाली, अगर इनको तोड़ के फिर इनको ऊपर से ना इनके वो उतारा जाता है छिलका, क्या कहते हैं पता नहीं उसे, वो उतारा जाता है। तो इसमें से साग अगर तोड़ के बनाए ना तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। तो ये इसलिए इन्होंने रखा हुआ है ये राया ताकि तेल भी बन जाता है और अगले साल फिर काश्त करने के लिए भी बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम बेगम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? सूख गए हैं कपड़े, आज तो मेंटी नहीं लगा। आपने यही पहनेंगे? फिर मुंह धो, ये पैर धो अच्छी तरह, अच्छी तरह ना। ये देखे यार सार में बालों में मिट्टी है सारी, जल्दी ब्रश मार के। और सुना बेगम, ठीक है? तो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अपनी बात से पहले पूछ। अच्छा अच्छा वो भी ठीक है। ये क्या कर रही हो दीदी? क्रीम लगा रही हूं। नैन क्रीम लगा रही हो? ऐसे लगाते हैं क्रीम? मैंने कहा मैं लगाती हूं, ये कहते क्यों रे, मैं खुद लगाऊंगी नैन को। नैन बोलते हैं रैन, फातिमा अलग नैन बोलते हैं हमसे। उरिया कहो रैन खाओ कुकु आपला आपला
बस करो बस। तो अभी बेगम ने जो शादी के लिए शॉपिंग की है ना, तो वो आपको दिखाने लगी है शहजाद की शादी की। कल तो मैंने पहले वाला सूट पहना था, मेहंदी वाला, तो पहले लेकर रखा था। तो ये देखिए, ये हुरिया के कपड़े हैं, अहमद रसलान के, तो अभी सिलाई नहीं हुए ना। ये हुरिया का मेहंदी का था, मेहंदी का था लेकिन पहना नहीं है। हाँ। वो दो पहना हुआ था हुरिया ने। हाँ, ये वाला पहना हुआ था। ये हुरिया का और है, ये बारात पे पहने की हुरिया, ये कभी पहन लेगी। और हुरिया का ये एक लहंगा लिया है मैंने। ये देखिए हुरिया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, लहंगा हुरिया का एक वो कल पहना हुआ था, वो दुल्हा हुआ है। तो तीन हुरैन के लिए है और चार हुरिया के, क्योंकि जो है हुरिया तो साथ रहती है मेरे, वो तो रात को सो जाती है ना, साथ छाती है, तो ज्यादा नहीं लिए थे। सदे सदे ये भी रैन का है और ये भी रैन का है। पढ़े रहे, ऐसे पढ़े रहे। अच्छा, ये हो गए रैन और हुरिया के। ये वो रैन और हुरिया का, ये मेरे सूट है। बताती रहना देख। ले कर दिया है। अच्छा, ये देखिए सही है। अपने लिए ले कर आई थी। तो इसके साथ में दुपट्टा भी है, दुपट्टा मैंने वापसी को कराया ना, ये दुपट्टा है। ये एक और, ये हो गया, ये बारात को फिर पहनोगे? ये वलीम का है। हाँ हाँ, तो एक जगह पर पहनेंगे, एक वो जो होता है ना सन, तो हम खुद जो लेकर जाएंगे ना, मैं और साथ हमारे हम शायद इकट्ठे हम दोनों फंक्शन करेंगे ना, एक शहजाद का। ये किस पे? वली में। ये वली में पर पहनेंगे। सही है। ये जो मैंने लेके दिया वो है? ये वो वाला नहीं है, ये आपको पता भी नहीं है मैं लेकर आई। अच्छा, ये देखो दुपट्टा है। सही है। और बारात पर मैं ये पहनूंगी, ये आपने जो लेकर दिया है। एक और भी है ब्लैक सूट, वो तो कल पहना था। अच्छा, ये है। सही है। ये बारात पर पहनेंगे, क्योंकि खाला की भी इसी तरह का है, मेरा भी, बाकी सब भी, सबका इसी तरह का है, सब सब इकट्ठे जाएंगे। ये दुपट्टा, ये दुपट्टा है, ये कौन सा? मैंने जो लेके दिया वो है। यही बारात पर पहनेंगे। सही है। क्योंकि बारात पर तो थोड़े होते हैं ना, वलीमे पर सब होते हैं, तो सबसे महंगा सूट ये है, ये वाला। आप सब ने बताना है कौन सा पहनूं, कौन सा रहा। पहले पिछली दफ़ा भी सोनिया की शादी पर आपने बताया था, तो इसी तरह पहना था। तो एक वो मैंने सोनिया की शादी पर लिया था, आपको पता है ना, वाइट कलर का, वो भी पड़ा है। तो मैक्सी ली थी, वो भी पड़ा है। तो मैंने भाई हल्के हल्के सूट लिया, इतने वो नहीं लिए है भी, जो होते ना वो नहीं पहन सकती ना, मैक्सी होती है, लहंगे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने ना सूट सिलाई करवाया है। नहीं नहीं, ये ठीक है, क्योंकि अब बंदा आगे पीछे भी पहन सकता है, कपड़े लेकर रख देना फिर अफसोस लगता है बाद में ना पहन। बस यही है ना जी। और अहमद रसलैन का एक सूट पहना हुआ है, और दो सूट की सिलाई हो गया, सिलाई हो रहा है। और एक इनका वाइट कलर का सूट है, वो सिलाई होकर आया अपना है, वो वाइट तो आप देखते हैं बैठ के वाइट कैसे होता है। तो वो भी पहनेंगे। तीन चार सूट इनके है, तीन मेरे, तीन आपके है जी। और ये देखे दो सूट सासू माँ के लेकर आए, एक सिलाई होकर वो पहना हुआ है, एक ये हो गया। और एक मासी जो मेरे पास काम करने के लिए आती है, उसके दो सूट लिए है, तो एक दोनों सिलाई हो रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे कल तक, शायद दे रहना भी। ये देखो, और भाई खलील के भी सिलाई हो रहे हैं, जो वो मेरे भी अभी हैं। हाँ, जब जिनके है ना बड़े, जैसे हो रहे के अब्बू हो गए, भाई खलील के सिलाई हो रहे हैं कपड़े।